है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अगर बाकी सारी चीजें एक तरफ है तो महंगाई एक तरफ है। घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल करें या हमें घबराने की इजाजत दें, खातून कॉलर का वजीर आजम को चुपता हुआ सवाल। इमरान खान की खातून को तसल्ली, बोले घबराने की जरूरत नहीं, कीमतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम फोन कॉल सेशन में शहरियों से बराह रास्त मुखातिब, कहा लोगों ने मास्क की पाबंदी छोड़ दी, सूरत हाल खराब हुई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इमरान साहब ने मान लिया आईएमएफ की डिक्टेशन पर काम कर रहे हैं, तर्जमान नून लीग मरीम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा आईएमएफ के पास ना जाने का बयान देने वाला आज आईएमएफ की शरायत गिनवाता रहा। इमरान खान ने मान लिया स्टेट बैंक और कौमी मईशत को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया गया है। कोरोना खदशात, सिंध में 8वीं जमात तक क्लासेस मंगल से बंद करने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं फिजिकल क्लासेस 15 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी, 6 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बच्चों की तालीम को होमवर्क और दीगर जराये से जारी रखा जा सकता है। तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला मंगल को होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा, तालीमी इदारों को खोलने या बंद रखने पर मुत्तफिका फैसला करेंगे। मरियम नवाज ने ईसीएल से नाम निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, दरख्वास्त आई भी तो वजीर आजम मरियम का नाम नहीं निकालेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत को अपोजिशन से खतरा नहीं, महंगाई मसला जरूर है। फवाद चौधरी बोले अपोजिशन ने 30 मार खान बनकर देख लिया, सब मिलकर एक मक्खी भी ना मार सके, नून लीग और पीपल्स पार्टी गलत फैसलों की वजह से सुकड़ रही है। जनूबी पंजाब के हवाले से नोटिफिकेशन, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मौके फी नफी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले मैं मुल्क की नुमाइंदगी के लिए बाहर था, मेरे बेटे ने मुझे नोटिस व्हाट्सएप किया, बोले खित्ते का मुंतखब नुमाइंदा ऐसी कोताही नहीं कर सकता, शुक्रगुजार हूँ जनूबी पंजाब के अरकान ने नोटिस दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की 42वीं बरसी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। हमजा शहबाज सियासी महाज पर सरगर्म, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली लीगी रुकन की इंतखाबी मुहिम के लिए डस्का पहुंच गए। मोटरवे इंटरचेंज पर लीगी कारकुनान का भरपूर इस्तकबाल, नून लीग रहनुमा नौशीन इफ्तिखार के डेरे पर खिताब करेंगे। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन करीम बख्श कबूल मुस्ताफी हो गए, रुकन पीटीआई ने अपना इस्तीफा हलीम आदिल शेख को भेज दिया, करीम बख्श कबूल सेनेट इलेक्शन के दौरान मुबैना तौर पर अगवा हुए थे। मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ तैनात कर दिए गए। मसीही बरादरी जोशो जज्बे के साथ ईस्टर मनाने में मसरूफ, कोरोना के बाद तकरीबात और सरगर्मियां घरों तक महदूद, गिरजाघरों में मुल्को कौम के लिए खुशहाली इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं मांगी गई।
टेनिस कोर्ट से मोहब्बत का सफर अहदो पैमान पर आ गया। यूक्रेन की खातून टेनिस स्टार अलीना ने फ्रांस के खिलाड़ी जाल मॉन्फ्लर से मंगनी कर ली। मदाहों को खबर सोशल मीडिया से पहुंची। सानिया मिर्जा का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।